आप देख रहे हैं एमपीसीजी एक्सप्रेस न्यूज। अगर आप हमारी खबरें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करें। दमोह उपचुनाव का हुआ शंखनाद, कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किया विशाल आम सभा को संबोधित। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बर्धमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ आज दमोह दौरे पर पहुंचे, जहां रैली पैक कर कांग्रेसियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं इसके बाद कमलनाथ ने नए कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन किया। इसके बाद कमलनाथ सूर्य सभा स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले मंडल सेक्टर पदाधिकारियों की एक बैठक ली, फिर मंच पर पहुँच कर आम सभा को संबोधित किया। कमलनाथ के पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी समेत कई वक्ताओं ने अपनी बात जनता के सामने रखी। वहीं कमलनाथ ने सीधे सीधे प्रदेश की भाजपा सरकार पर खरीद फरोख्त का आरोप लगाया। उन्होंने मंच से कहा कि इस बार दमोह की जनता गद्दार को सबक सिखाएगी। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को घूरना भी बताते हुए कमलनाथ ने खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। कहा कि भाजपा द्वारा कांग्रेस के पदाधिकारियों को खरीदा गया, इसीलिए उपचुनाव का सामना करना पड़ा है और दमोह की जनता इस उपचुनाव में भाजपा को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। आंख बंद करिए, आंख बंद करिए और अपने आराध्य से पूछिए कि हे आराध्य, जिसको भी आप मानते हो, कि अब इस संकट की घड़ी में क्या किया जाए, इस संकट की घड़ी में क्या किया जाए। भगवान भी यही कहेगा कि ईमानदार का साथ दिया जाए। मैं बस एक प्रार्थना करना चाहता हूँ, मेरे पिता स्वर्गीय चंद्रनारायण चंदन को आप लोगों ने बड़े स्नेह के साथ 1980 में 5 साल के लिए विधायक चुना था, लेकिन 1983 में उनकी मृत्यु हो गई। 3 साल केवल विधायकी कर पाए, आप लोगों की सेवा कर पाए, उनका बचा हुआ 2 वर्ष का कार्यकाल इस झोली मोदी जी जब कोविड हुआ, आज 25 मार्च है, 25 मार्च को पूरा लॉकडाउन शुरू हुआ था। मुझे तो ताज्जुब हुआ कि मोदी जी ने कहा 20 लाख करोड़ रुपए, यानी 20 लाख करोड़ रुपए मैं दूंगा। 20 लाख करोड़ रुपए को लिखते कैसे हैं ये मोदी जी, ये बताने 20 लाख करोड़ रुपए 20 रुपए आए। मोदी जी आज इसकी बात नहीं करेंगे, मोदी जी आज इसकी बात नहीं करेंगे। ध्यान मोड़ने की राजनीति में ये शिवराज जी की तो का खाना हजम नहीं होता जब तक दिन वो झूठ ना बोले, झूठ पर झूठ। कितनी घोषणाएं, मुझे तो ताज्जुब होता था कि 15 साल में इन्होंने हजारों लगभग 12,000 घोषणा कर दी। अब मुंह चलाने में, मुंह चलाने में और प्रदेश चलाने में अंतर तो होता है ना। तो शिवराज जी आप गुमराह, ये कलाकारी की राजनीति। मोदी जी को देखिए यार, है प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा 2014 के चुनाव में, याद है ना, 15 लाख रुपए क्या क्या बात की गई। 2019 के चुनाव में मोदी जी ने नौजवान की बात नहीं करी, किसान की बात नहीं करी, जिसका कहते थे 50% नफा होगा, किसकी बात करी, राष्ट्रवाद की, पाकिस्तान की। अब ये हमें पाठ पढ़ाएंगे राष्ट्रवाद का, कांग्रेस को पाठ पढ़ाएंगे राष्ट्रवाद का। मैं तो पूछता हूं इनसे, बीजेपी वालों से, आपका एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी का आप नाम नहीं ले सकते और आप राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाते हो देखो। ये आपको भारतीय जनता पार्टी की ध्यान मोड़ने की राजनीति समझ नहीं है। शिवराज जी आएंगे कहेंगे ये घोषणा मैं करता हूं,